हम लोगों ने 6 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 12 सेल्स आर ईच हैविंग सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर केप्ट इन अ बॉक्स, सम सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। मतलब क्या कहा गया कि एक बॉक्स में 12 सेल रखे गए हैं, ठीक है, और उसमें से यहाँ पर सम सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, कुछ गलत तरीके से वहां पर कनेक्ट हो गए। This battery is connected in series with an ammeter and two identical cells. The current is 3 ampere when cells and battery are support each other and 2 ampere when they oppose each other. मतलब जैसे बैटरी के अंदर जो सेल्स रखे गए हैं वैसे ही दो सेल और लिए गए, और वो जो दोनों सेल थे उनको कैसे कनेक्ट किया गया, एक बार ऐसे कि वो उस बैटरी का सपोर्ट करें और एक बार इस तरीके से कि वो उस बैटरी का अपोज करें, ठीक है। तो जब सपोर्ट कर रहे हैं तो 3 एम्पीयर की करंट है, और जब अपोज कर रहे हैं तो 2 एम्पीयर की करंट वहां पर फ्लो कर रही है। तो आपको बताना क्या है, हाउ मेनी सेल्स इन बैटरी आर रॉन्गली कनेक्टेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इसमें एक तरह से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि अगर ये एक कोई बैटरी है उसमें इतने सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, 2 सेल रॉन्गली कनेक्टेड हैं या 3 सेल, तो बताओ उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इसमें ये पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी बैटरी है या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको कोई 2 सेल सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, तो वहां पर आप करंट कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन इसमें है। और बाकी इसमें ये पूरा क्वेश्चन तो दिया गया है, ठीक है। तो सपोर्ट करने का मतलब, अपोज करने का मतलब, रॉन्गली कनेक्टेड है तो उसमें EMF निकालने के कंडीशन, ये सारी चीजें इसमें हम लोग सीख लेंगे। तो ये इस बेसिस पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर पहले, जैसे अगर इसमें हम मान लें कि n सेल यहाँ पर रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका EMF क्या हो जाएगा ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिख लेंगे, let n cells are wrongly connected in battery. The battery में n cells suppose कर लिया wrongly connect कर दिए गए, ठीक है। तो battery का EMF क्या हो जाएगा, तो हमें यहां पर देखना है। आगे लिखेंगे, then EMF of battery, then EMF of battery, अब आप देखो यहां पर E naught is equal to, तो wrongly कितने connect हैं, N, ठीक है। तो total cell कितने हैं, 12, तो 12 minus N, ठीक है, 12 minus N ये सही वाले हो जाएंगे यहां पर, into E कर दिया, ठीक है। और फिर जितने wrongly connected हैं उनका EMF उसमें से subtract कर दिया गया, minus N, मतलब 12 minus N, जैसे n cells अगर wrongly connected हैं, तो हमने क्या किया, total cells थे तो 12 minus n, ठीक है, into e कर दिया गया, और उसके बाद उसमें से जितने भी cells wrongly connected थे उसका EMF यहाँ पर subtract कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12e minus ne minus ne, तो यहाँ पर net EMF जो बैटरी का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12e minus 2ne। हमको ये अच्छे से पता है, किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये नहीं समझ में आया तो इसको समझने के लिए हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं इसको, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, दोबारा इसको अभी समझाना नहीं पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर, जैसे तुम्हें नीट में अपने नंबर जोड़ना आता है कि नहीं आता, आता होगा, कुछ लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। तो जैसे मान लिया आप नीट में अपने प्रिय सब्जेक्ट बायोलॉजी के नंबर जोड़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में मान लिया आपने जो अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो तो पूरे होंगे, सीधी बात, उसमें हम छोड़ते नहीं, बाकी पूरा पेपर छूट जाए, लेकिन बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ते। तो 90 के 90 अटेम्प्ट किए, मान लिया तुम्हारे गलत हो गए 10, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है, 10 क्वेश्चन मान लिया गलत हो गए, तो अब नंबर कैसे जोड़ते हैं, नंबर यहाँ पर जोड़ते हैं कि जैसे जो हमें मार्क्स मिलेंगे तो वो यहाँ पर, कुछ लोग तो ऐसे जोड़ लेते हैं कि 90 किए तो 90 × 4 = 360, और गलत हो गए 10 तो -10,
350 नंबर, ठीक है, उनके उनको 350, और फिर रोते रहते हैं ना, हमने जोड़े तो बहुत नंबर थे लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, लग रहा बबल गलत भर दिए, बबल नहीं तो दिमाग खराब हो गया। तो ये नंबर ऐसे जोड़ देते हैं, अगर ऐसे जोड़ोगे तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो यह हुआ, तुमने मान लिया 90 किए, तो 90 × 4 तो 360 नंबर तुमको मिले, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। और मान लो 90 गलत हो गए तुम्हारे, तो -90 कितने हो गए, 270, मतलब सारे किए सारे गलत, तब भी 270 हमको मिल ही रहे हैं, ठीक। तो ऐसे थोड़े नंबर जोड़े जाते हैं। तो नंबर जब आप जोड़ते हैं तो नंबर कैसे जोड़ते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लिया 90 क्वेश्चन हमारे सही हैं, तो हम ऐसे जोड़ते हैं कि 90 और 90 मतलब अटेम्प्ट किए और 10 गलत हो गए, तो हम क्या करते हैं -10 और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये ऐसे करते हैं। और फिर क्वेश्चन कितने हमारे गलत हुए, 10, तो वो इसमें से सब्ट्रैक करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। मतलब ये तो नंबर तुम्हें मिले जो सही वाले थे, तो ये नंबर अगर आप देखो तो आपको नंबर कितने मिले यहाँ पर, 320, ठीक है, 82 हुए ना, तो 320। और चूंकि 10 क्वेश्चन तुमने गलत किए थे तो उसका माइनस इसमें से होगा, ठीक है, तो -10 आप करते हैं और तब आपको नंबर कितने मिलते हैं, 310, और तुम्हें लग रहा था 350 मिलेंगे, तो वैसे नहीं मिलते, तो ऐसे जोड़ते हैं ना। तो अब ये अगर यहाँ पर नंबर ऑब्टेंड अगर आप देखो, मार्क्स कितने आपको मिल रहे हैं, तो आपने क्या किया, जितने सही वाले हैं मतलब अटेम्प्ट वाले -10 कर देंगे तो ये सही वाले निकल आएंगे, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया एक क्वेश्चन के मार्क्स से, ठीक है। फिर ये टोटल नंबर जो मिले हैं इसमें से हमने जो गलत किए उनको घटाना है, तो गलत किए हैं 10 और 10 का एक नंबर कटता है तभी तो माइनस लगाया गया, तो अगर एक नंबर कटता है तो हम इसको ×1 कर देंगे, ठीक है, और फिर इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, जैसे अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने, 12, तो 12 सेल थे जिसमें से गलत कितने थे, n थे, तो -n कर दिया, तो ये सही वाले हो गए। अब इनका EMF, एक का EMF है, तो ये टोटल EMF इसका कितना हो गया, 12 - n, ये सही वाला हो गया। अब चूंकि आपने n गलत रखे हैं उसमें सेल्स, तो उसका सब्ट्रैक्ट भी तो होगा, वो उल्टा अपोज कर रहे हैं, तो ये तो हमने सिर्फ सही वाले रखे ना, 12 - n मतलब जो सही वाले, और उसमें से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने हमने गलत सेल जोड़े, तो गलत सेल कितने जोड़े हैं, n, और एक सेल का EMF यहाँ 4 और 1 था लेकिन यहाँ सबका E ही रहेगा, तो यहाँ पर n, 12 - n × E - n, समझ में आ गया ना, ठीक है, अब तो इसे समझाने की जरूरत है नहीं, वही समझ में आ गया, तो 12 - n E - n E, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 n E आ जाएगा, ये EMF हो जाएगा उस बैटरी का। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इतना ही, मान लिया n की जगह उसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपसे पूछ लिया गया बताओ अब उस बैटरी का EMF क्या होगा, ठीक है। तो उसमें कई बार गलतियां क्या होती हैं, ऐसे 3 गलत कर दिए तो 12 - 3 × E लिख देंगे, मतलब 9 ही, लेकिन 9 ही नहीं होगा, 12 - 3 करेंगे और फिर E करेंगे, फिर -3 करेंगे, तो इस तरीके से आप उसको निकालेंगे। पहले इतना नोट कर लो। अब उसने यहां पर क्या कहा है कि ये जो यहां पर हम लोगों ने बैटरी बनाई, इसके साथ 2 सेल सपोर्टिंग में, मतलब पहले कनेक्ट किया जाएंगे फिर 2 अपोजिंग में, तो देखा जाए तो हम डायग्राम ना बनाए तो भी ऐसे भी समझा सकते हैं, लेकिन हम एक बार डायग्राम बना दें कि बाद में आप देखेंगे तो आपको, जैसे दोबारा यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, आप ऐसे ही समझ जाओगे क्या करना है, लेकिन एक बार पूरा डिटेल में डायग्राम हमारे माइंड में होना चाहिए कि कैसे हमें बताया जा रहा है या सपोर्टिंग अपोजिंग का मतलब क्या है। तो आप देखो यहाँ पर ये सपोर्ट की कंडीशन दिखाई गई है, ये अपोज की कंडीशन, आप देखो यहाँ पर बैटरी ये कनेक्ट किया, तो अब बैटरी में हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, अब जैसे बैटरी में कुछ दिया तो गया नहीं, कौन सा प्लस है क्या माइनस, तो जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला एंड प्लस है और ये वाला एंड माइनस है, ठीक है, तो इसका EMF आपको दिया गया 12V - 2 n E, रेजिस्टेंस 12 R ही रहेगा, रेजिस्टेंस में थोड़े होता कि घुमा दिया तो घट जाएगा, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस हो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो अगर 12 सेल है तो 12 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 12 R हो जाएगा, तो वो टोटल जुड़ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 सेल जोड़ने हैं आइडेंटिकल, जो इसमें E जोड़ा है और R, वही E और R वाला सेल बाहर रहेगा, 2 सेल अलग से लिए और उनको सपोर्टिंग नेचर में जोड़ दिए। सपोर्टिंग नेचर यहाँ कैसे है, देखो आप ये बैटरी का अगर आपने प्लस माना है तो ये अपनी करंट ऐसे फ्लो कराएगी, प्लस से ही तो करंट फ्लो करती, और यहाँ देखो ये दोनों सेल भी अपनी प्लस से करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, तो ये सपोर्ट ही तो करेंगे उसका,
भाई जैसे ये करंट फ्लो करा रही वैसे ये, तो मिलकर तो सारे करंट यहाँ पर एक ही सेंस में ऐसे फ्लो कराएंगे, तो ये सपोर्टिंग नेचर हो गया। तो सपोर्टिंग में ईएमएफ को ऐड कर दिया जाता है, तो आई इज इक्वल टू 12B-2N, ये हो गया, और प्लस इसमें इन दोनों का ईएमएफ जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 12R + 2R दैट इज 14R, तो ये करंट हो गई यहाँ पर। आई इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद अपोज की कंडीशन में क्या करना है, सब कुछ वही, जब जैसे यहाँ पर डायग्राम अगर एक बार दिखा दिया जा रहा है, बट आप खुद सोचो कि जब अपोज की कंडीशन होगी तो इन्हीं को बस पलट ही तो देंगे, ठीक है, और पलट देंगे तो इसमें से घट जाएगा, यहाँ जोड़ा इसमें घटा देंगे अगले वाले में, और बाकी नीचे तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस तो घटाएंगे नहीं, रेजिस्टेंस तो जोड़ेंगे ही ना, रेजिस्टेंस थोड़े घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमने दोनों यही पूरा कंडीशन दिखा दिया कि बैटरी का ये प्लस है माइनस है, यहाँ 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी जब अपोज करेंगे, तो आप देखो जरा यहाँ पर दोनों सेल्स यहाँ पर जो भी ये कनेक्टेड हैं, ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों सेल्स उल्टी डायरेक्शन में अपनी करंट फ्लो कराएंगे, जबकि ये इस सेंस में अपनी करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन यहाँ पर है ये अपोज की कंडीशन, ये सेल्स इस बैटरी का अपोज कर रहे हैं, ये अपनी करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेंगे प्लस की तरफ से, और ये अपनी प्लस की करंट ऐसे फ्लो कराएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा सेल है तो हम मानेंगे कि यही डोमिनेट करेगा, तो इसी के हिसाब से ऐसे हमने करंट दिखा दिया। अगेन आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बस ईएमएफ में क्या होगा, टोटल में से 2E घट जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 2 एम्पियर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। 12B-2E 10E हो जाएगा, और -2E नीचे 14R, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, 1/2 3/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3/2 करेंगे तो ये 14R 14R तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 6 एनी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 और -4 एनी, यहाँ पर इसे इधर ले गए 6 -4 2 एनी, इसको इधर लेकर आए 2E, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2E 2E कैंसिल, एन की वैल्यू क्या गई, मतलब उसमें 12 में से एक सेल गलत तरीके से कनेक्ट था अगर ये सिचुएशन थी, ठीक है। तो ये तो नोट कर लिया था ना आपने, तो क्वेश्चन ये बड़ा है लेकिन इसको बड़ा समझ के ऐसे इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये सब ऐसे जरूरी नहीं कि बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ एक बार बना लो, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं, सपोर्ट में ऐड कर देना, अपोज में सब्ट्रैक्ट कर देना, और बाकी इसमें हमने बताया था अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्युमुलेटर, एक्युमुलेटर का मतलब होता है वही स्टोरेज बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं उसी को एक्युमुलेटर बोल देते हैं। इफ फर्स्ट कनेक्टेड टू लोड R1 एंड देन टू लोड R2, मतलब वही सेम बैटरी है, उसको पहले R1 से कनेक्ट किया गया और फिर किससे कनेक्ट किया गया, R2 से, ठीक है, तो मतलब लोड रेजिस्टेंस बदला गया लेकिन बैटरी वही है, मतलब उसका EMF, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। इन बोथ केसेस द टाइम रेट ऑफ हीट जनरेशन अक्रॉस द लोड्स इज सेम, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एक्युमुलेटर। तो उसने आपसे क्या कहा कि जो एक्युमुलेटर है उसका मान लिया EMF V है और रेजिस्टेंस उसका इंटरनल जो है वो R के बराबर है, तो सेम टाइम के लिए उसे कनेक्ट किया जा रहा है, एक बार R1 से एक बार R2 से। तो उसने कहा कि अगर दोनों केसेस में रेट ऑफ हीट जनरेशन का मतलब H/T कह सकते हैं उसको, तो H/T का मतलब पावर ही तो हो जाएगी, तो एक तरह से दोनों केस में उसने कहा पावर क्या है, सेम है, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस एक्युमुलेटर का क्या हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें उसने पहले ही बता दिया ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें वो पहले से हमें पता है करना क्या है, कुछ में होता है हमें नहीं पता होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं था करना क्या है, ठीक है, तो उसको थिंक करना था कि कैसे हमें कंडीशंस बनानी, इसमें पहले से पता है कि दोनों की पावर को क्या करना है, सेम करना है, और पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि जो पी होता है वो I²R जो पावर डिलीवर्ड, या आई को हम लिखते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका स्क्वायर और इनटू आर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो एक तरह से पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों के पावर्स को एक करना है, तो आप ई और स्मॉल आर तो चेंज करेंगे नहीं, पहली कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या है R1, दूसरी कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या है R2। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम H1/T H2/T इक्वल करना, मतलब P1 = P2, ई अपॉन R1 + R² R1, मतलब जहां कैपिटल आर है वहां पर हमने क्या कर दिया R1, और फिर यहां पर क्या कर दिया, जहां कैपिटल R है वहां क्या कर दिया R2। अब इसी को बस सॉल्व करना है, देखा जाए तो यहां पर जो पॉइंट था वो तो यहीं तक हो गया, अब आगे क्या है, कैलकुलेशन है,
मतलब इसी को लेकर हमें स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है आर वन और आर टू के टर्म में। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ई स्क्वायर, यहाँ पर ई स्क्वायर होगा, कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर वन और नीचे बचेगा आर वन प्लस आर टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर ई स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो चुका है, आर टू और नीचे बचेगा आर टू प्लस आर टू द होल स्क्वायर। हम यहाँ पर इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले वो नल पॉइंट वगैरह में कैलकुलेशन किया था कि इसको इधर ले जाएंगे और ये आर वन इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये ले गए, तो ये चूंकि स्क्वायर में था ना तो दोनों को एक में कर दिया होल स्क्वायर में, ये हो गया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, आर टू रूट आर वन, आर रूट आर वन, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन रूट आर टू और आर रूट आर टू, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे जब इधर लेकर आएंगे, ठीक है, तो आर रूट आर वन माइनस रूट आर टू, ठीक है, और इसे इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आर वन रूट आर टू और ये आ जाएगा इधर से तो आर टू रूट आर वन। हम आर वन को रूट आर वन लिख सकते हैं, जैसे आर वन है तो रूट आर वन तो उसे लिख सकते हैं, ऐसे आर टू को रूट आर टू लिख सकते हैं। तो इसमें से देखो आर वन आर टू रूट में, आर वन आर टू रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा, यहाँ आर वन आर टू कॉमन लेंगे तो आर वन बचेगा रूट के अंदर और इसमें आर टू बचेगा, तो रूट आर वन माइनस रूट आर टू अगर हम इतना कॉमन ले लें, और इधर पहले से ही पता है रूट आर वन माइनस रूट आर टू, ये कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर क्या होगा, एक ही रूट में कर दिया इसको, रूट आर वन आर टू, यही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, बस जस्ट पावर इक्वेट करके कैलकुलेशन था बस थोड़ा सा, ठीक है, उसे कैलकुलेट करके स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। नोट करें कि डिवाइडेड बाय आर प्लस आर टू द होल स्क्वायर इनटू आर, जो भी हमने वो एक्युमुलेटर वाले में फॉर्मूला यूज किया, तो बस उसमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर के लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर के बराबर कर दी। मतलब वैसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो वो चीजें बार बार नहीं लिखवाएंगे क्योंकि बार बार लिखने का कोई मतलब तो है, तो हमें आपको इतना बताना है कि देखो ये इसमें हमने मॉडिफाई कर दिया। अब अगर इसमें मॉडिफाई हो गया तो ये डायग्राम डिस्चार्जिंग ऑफ सेल वाले से मैच कर रहा है, तो जो वहां पर चीजें बताई गई वो सब कुछ इसमें एप्लीकेबल होंगी। तो अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो इसमें तो कुछ हमें याद ही नहीं करना, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर ये सारे रेजिस्टेंस देखें तो पैरेलल में है, हमें पहले से पता है पैरेलल में क्या करते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर1, 1 अपॉन आर2, 1 अपॉन आर3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन दोनों में तो कुछ हमें करना नहीं था, मेन बस ये एक फॉर्मूला है जो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन कई बार फॉर्मूले जो बड़े होते हैं सिस्टमैटिक होते हैं, ठीक है, और वो हमें बड़ी आसानी से याद रहते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास में आपको बताए गए थे फॉर्मूले, तो वो भूलते नहीं, ठीक है, तो वो फॉर्मूले बहुत इजीली हम याद रखते हैं क्योंकि वो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं। वैसे यहाँ पर है, आप एक टर्म याद कर लेते हैं बाकी सब ऐसे याद हो जाता है, क्योंकि सब में वही लिखना है, E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 and so on, जितने सेल्स हैं उतने जोड़ते चले गए, डिवाइडेड बाई 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है कि कैसे हमें निकालना है। बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप फॉर्मूला भूल गए, किरचॉफ्स लॉ आपके पास है, निकाल लेंगे उससे हम लोग। तो हम किरचॉफ्स लॉ समझाने के लिए जो डायग्राम यूज करेंगे वो यही वाला यूज करेंगे, मतलब इसमें सारे सेल्स लगे हैं वो सब नहीं लगाएंगे, दो सेल जैसे क्वेश्चन जो कराएंगे वो डायग्राम हम यूज करके आपको किरचॉफ्स लॉ समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब एक पॉइंट ये है, इसको जरा ध्यान देंगे, क्या है, इफ बैटरी E2 इज रिवर्स देन रिप्लेस E2 बाई माइनस E2। तो जैसे उसने कह दिया कि यहाँ पर सारी बैटरी ऐसे लगी हैं, सबके प्लस आपस में कनेक्ट और सबके माइनस आपस में कनेक्ट है, लेकिन अगर हमने इस E2 को रिवर्स कर दिया, मतलब ये प्लस इधर कर दिया और माइनस इधर कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो जहाँ ये E2 आ रहा है वहां क्या कर देंगे, माइनस E2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो भी हम क्वेश्चन में समझाएंगे। जैसे मान लिया दो ही बैटरी हो, ठीक है, ये नीचे हो ना, सिर्फ यही दो हो, ठीक है। अब अगर यही दो यहाँ पर हैं, तो फिर यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी वो आपको समझना रहेगा, कि अगर दो ही हैं तो अगर हम, अब हम इसमें कैसे कहेंगे, जैसे मान लिया चार पांच लगी थी बैटरी, तो सबका प्लस एक तरफ था, एक का उल्टा था, तो हमने कह दिया भाई ये उल्टा है तो इसको माइनस कर दिया। लेकिन अगर दो ही हैं तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हम कहेंगे ये उल्टा है, लेकिन अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें ये उल्टा लगेगा, ठीक है, तो हम किधर से भी देख सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे वो आपको अभी हम क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दो क्वेश्चन करने हैं इसी पर, दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा इसको कैसे यूज करना है। अब 5 वोल्ट बैटरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
a 5-volt battery with internal resistance 2 ohm and 2-volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown in the figure. The current in 10 ohm resistance is, मतलब इसमें ये जो बीच में है इसमें करंट बतानी, लेकिन आप देखो जरा यहाँ पर उसने करंट भी बताई है और साथ में डायरेक्शन भी, P1 टू P2 या P1 टू P2 या P2 टू P1, P2 टू P1, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करंट भी निकालनी है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी निकालनी। तो अब यहाँ देखो, आप ध्यान दो, ये बैटरी कैसे लगाए, इसका प्लस ऊपर है माइनस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे है, तो वही केस, दो बैटरी पैरेलल में। अब ये रेजिस्टेंस चाहे बीच में लगा दो चाहे किनारे लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जो भी डायग्राम ये समझाया गया आपको, इसमें ये रेजिस्टेंस इन्हीं दो पॉइंट के बीच ही तो लगा हुआ है, इन दोनों पॉइंट के बीच, तो इन दोनों पॉइंट के बीच कहीं भी लगा दो उससे कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, बस इन दोनों पॉइंट के बीच होना चाहिए। उसको बीच में दिखा दो, इधर दिखा दो, ऊपर दिखा दो, नीचे दिखा दो, कहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें कैसे रेजिस्टेंस दिखाया गया है, यहाँ पर बीच में दिखा दिया गया, लेकिन अगर आप देखो तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ये और ये सेल पैरेलल में है, एक बात, ठीक है। डिसिमिलर सेल है क्योंकि दोनों के वोल्टेज अलग अलग हैं, ईएमएफ, और दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस अलग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखो इसका प्लस ऊपर है, मतलब एक को रिवर्स किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस रिवर्स को हम कैसे लें, हम इसे यहाँ पर प्लस माने या हम इसे प्लस माने। तो नॉर्मली आप ऐसे केस में क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जो बड़ा ईएमएफ है उसको प्लस मानो और छोटे वाले को माइनस मानो। लेकिन कभी अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कि ये चीज है तो बड़ी लेकिन ये मान लिया कम आ गया और वो ज्यादा आ गया, जैसे E1 अपान R1 लिखोगे ना, E1 अपान R1, अब मान लेते हैं यहाँ पर ये 5 और 2 है, मान लिया ये 2 की बजाय 4 होता तो 5 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 1 point something आता, और जब इसको लिखते 2 by 1 तो वो 2 आता, मतलब वो आ जाता ज्यादा, और उसको आपने क्या कर दिया माइनस, और ये आ गया कम जिसको आपने क्या लिखा प्लस। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे दिमाग में फिर आएगा अब हम क्या करें, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। तो फिर आपको करना क्या है कि आप जिसको प्लस मान रहे हैं और जिसको माइनस, फिर जब आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो आप देखो प्लस में आ रहा है माइनस में। तो अगर इक्विवेलेंट प्लस में आया तो इक्विवेलेंट जो सेल आप बनाएंगे वो प्लस के हिसाब से बना लो, और अगर माइनस आया तो माइनस के हिसाब से बना लो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर प्लस के हिसाब से आया, प्लस आया तो प्लस के हिसाब से बनाएंगे तो करंट ऊपर से नीचे जाएगी, और अगर माइनस के हिसाब से आपने बनाया ठीक है तो करंट नीचे से ऊपर जाएगी, यानी कि करंट की एक्यूरेट डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो एकदम सिंपल है कि आपको सबसे पहले ईएमएफ सॉल्व करना है, कोशिश ये रखनी है कि जिसका ईएमएफ ज्यादा हो उसको आप प्लस मानेंगे, और अगर प्लस आया तो प्लस के हिसाब से, माइनस आएगा तो फिर माइनस के हिसाब से करना है, ठीक है। तो आप देखो जरा यहाँ पर समझो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बनाए नहीं गए थे, बट मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिए इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये E1 है और ये E2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इक्विवेलेंट सॉल्व किया, इक्विवेलेंट वही फॉर्मूला लगाया E1 अपान R1, और यहाँ पर उसे माइनस में कर दिया 2 अपान 1, 1 अपान 2, वही 1 अपान R1, 1 अपान R2, सारी वैल्यूज हमने रख दी। अब इसे हमने सॉल्व किया तो ये यहाँ पर 4, 5 - 4 upon 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2, और ये 3/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, 1/3 क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अभी पॉजिटिव आया है सो इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, E1 के अकॉर्डिंग, मतलब 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले आप एक काम करेंगे, यहीं तक लिखेंगे, फिर इसके आगे मैं लिख पाऊंगा आपको सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ तक पहले लिख, डायग्राम ऐसे इसमें कुछ बनाना तो है नहीं, तो डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, चाहे तो आप वही जो बुकलेट में बना डायग्राम उसी में अपना E1 R1 E2 R2 मार्क कर लो, और बनाना चाहो तो बना लो। लिख लिया ना सभी ने, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव, जहां लिखा है पॉजिटिव सो इक्विवेलेंट, उसके आगे लिखेंगे इक्विवेलेंट विल बी सिमिलर टू, इक्विवेलेंट विल बी सिमिलर टू, will be similar to 5 volt battery, 5 volt battery, similar to 5 volt battery। अब आप देखो जो ये P2 और P1 था उसको तो जैसे था वैसे मैंने बना दिया यहाँ पर 10 ohm, ठीक है, उसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं था। अब जो यहाँ पर बनाना था equivalent, ठीक है,
जो डायग्राम हम बनाते हैं, तो यहाँ पर जो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, तो इसमें यही तो करते हैं कि आर जैसे था वैसे छोड़ दिया, और ये पूरा सॉल्व करके उसकी जगह हम इक्विवेलेंट लगाते हैं। तो वही काम तो यहाँ कर रहे हैं हम ना, ठीक है, वही काम यहाँ पर देखो किया जा रहा है कि आपने ये यहाँ पर 10 ओम था उसको ऐसे लगा दिया, और ये दोनों सॉल्व होकर इक्विवेलेंट आया। तो इक्विवेलेंट में आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ दिखाना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाना है। तो आपसे क्या कहा गया कि अगर पॉजिटिव आया है तो 5 वोल्ट को पॉजिटिव आपने लिया था ना, 5 वोल्ट को प्लस लिया ना, तो 5 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पर बनेगा। तो 5 वोल्ट का प्लस ऊपर है, इधर है P2 की तरह, तो प्लस हमने ऊपर दिखा दिया, माइनस नीचे दिखा दिया इक्विवेलेंट का और नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी मान लीजिए सॉल्व होकर माइनस आता तो हम यहाँ इक्विवेलेंट बनाते, लेकिन हम क्या करते माइनस ऊपर, तब वो इसके हिसाब से बनता, तो माइनस ऊपर हो जाता और प्लस नीचे हो जाता, समझ गए ना। तो अगर यहाँ प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो करंट इधर से चलेगी प्लस से, तो करंट किधर से किधर जाएगी, P2 से P1। लेकिन अगर यहीं पर ये माइनस आता तो इसके हिसाब से बनता, तो करंट किधर से किधर जाती, P1 से P2। तो समझ में आ गया ना कि अगर दो ही हैं तो आपको क्या करना है, या अगर ये ईएमएफ सॉल्व होकर प्लस या माइनस आ गया तो क्या करना है। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखना कि ये प्लस आए चाहे माइनस, जब करंट निकालेंगे तो करंट में प्लस और माइनस जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, चाहे ये प्लस आए चाहे माइनस, आपको इसमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे माइनस आ गया तो हम माइनस यहाँ बना दे रहे हैं ना माइनस के हिसाब से, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, और यहाँ मैग्नीट्यूड रख के करंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये नहीं कि यहाँ भी माइनस रख दिया वहां भी माइनस से, साइन भी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। यहाँ आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो भी आपने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो दोनों साइड में एक साइड एक जैसा दे चाहे वो अपोजिट दे दे, हमें पता है क्या करना है। तो यहाँ पर बस आर इक्विवेलेंट निकाल लिया गया R1 R2, क्योंकि पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और देन I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, और यहाँ से हमने करंट सॉल्व कर ली, कितना आ गया 0.03 एम्पियर P2 टू P1। ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नोट कर लेना आपने। नेक्स्ट ट्राई करिए, फाइंड द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। अब देखो मैक्सिमम पावर है पूछा गया है, और मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तो हमने नहीं बताया, यहाँ तो हम लोगों ने देखा था कि जब इक्विवेलेंट बन गया, जैसे मान ली इसमें आपसे मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट पूछा जाता तो आप यही तो कहते आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें यही काम करना है आपको। इस केस में आप देखो उसने कैपिटल आर की वैल्यू ही नहीं दी, लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर अपॉन 4R। तो हम R की जगह पर कैपिटल R भी, मतलब जो भी इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। अब जैसे दो सेल है तो उसका जो भी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R रखो चाहे वहां पर R इक्विवेलेंट रख दो। तो पहले तो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। अब इसमें माइनस नहीं करेंगे क्योंकि आप देखो यहाँ पर कोई बैटरी पलटी नहीं गई, इसका प्लस एक तरफ है, इसका माइनस एक साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, उसमें क्या था, उसमें अगर आप देखो तो इसका प्लस था तो इधर क्या था माइनस, इसलिए उसमें माइनस लगाया गया था। 10 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, और R1 R2 दोनों 1 है तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, ये सॉल्व किया कितना आ गया 9 वोल्ट। अब R इक्विवेलेंट आप देखो वो तो वैसे ही पता है हमें, ये तो हमने इसे लिख दिया, वरना तो हमें इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। 1 और 1 का क्या होगा, 1/2 आधे तो होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके लिख दिया गया 1/2। पी मैक्स क्या होता है, ई स्क्वायर, मतलब वही ई स्क्वायर अपॉन 4R, तो ई यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, जो हमने निकाला, और स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 आर इक्विवेलेंट। तो चाहे यहाँ कैपिटल आर रखो और चाहे आप आर इक्विवेलेंट रखो, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम पावर के लिए जो इसका आर इक्विवेलेंट होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। अब कैपिटल आर तो उसने दिया ही नहीं ना, कहीं उसकी वैल्यू नहीं पूछा इसमें क्या, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी, तो हमें पता है कि मैक्सिमम पावर के लिए दोनों की वैल्यूज क्या होती है बराबर, तो इसलिए हम आर इक्विवेलेंट रखकर बता देंगे। ई क्या है 9, स्क्वायर हो जाएगा 81, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2, 81/2 दैट इज 40.5। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ है, एक पहला है जो जंक्शन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मेस या लूप रूल, ठीक है। तो ये दोनों हमें समझने हैं, फर्स्ट और सेकंड।
तो फर्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये जो लॉ है पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो फर्स्ट लॉ हम लोग यूज करते रहते हैं, बस कई बार हमें पता नहीं रहता कि हम ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लू फर्स्ट लॉ जो है वो बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या कहा गया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो, दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी जंक्शन पर आने वाली सभी करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जंक्शन क्या है। तो हमने आपको पहले भी बताया था जंक्शन का मतलब क्या है। जंक्शन जो है उसमें यहाँ पर जैसे अगर हम ऐसे यहाँ पर बना दें, ठीक है लाइन, तो ये जो यहाँ पर कॉर्नर है क्या हम इसको जंक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल ये लाइन इधर आई इधर चली गई या इधर से इधर लाइन आई चली गई, तो ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन वहां पर जहां पर ये दो से ज्यादा दिख रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे तीन दिख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तीन हो, चार हो, पांच हो, चाहे जितने हो, बस दो से ज्यादा दिख रहे हो वहां पर, ठीक है, तब जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जंक्शन पर जितनी आने वाली जाने वाली करंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, वहां पर उनका सम क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्लियर हो गया। ये जंक्शन बिल्कुल वैसे जैसे रेलवे जंक्शन होता है, जैसे आप ट्रेन से जाते हैं तो क्या हर स्टेशन पर जंक्शन ही लिखा होता है? नहीं लिखा होता है ना, ठीक है, हर स्टेशन पर नहीं लिखा होता, कुछ पर लिखा होता है। जैसे लखनऊ में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ जंक्शन, बीच में कहीं पर जाते हैं तो वो जंक्शन नहीं। जैसे अगर मान लिया ट्रेन एक तरफ से आई और दूसरी तरफ चली गई, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन बना दिया गया, या हाल्ट बोलते हैं ना, छोटे बहुत छोटे होते हैं स्टेशन जो, तो वहां पर रुकी और चली गई वो, तो या तो इधर से इधर गई और या इधर से इधर चली गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम कई एक पॉइंट पर कई अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन आ रही, इधर से भी कोई ट्रेन आ रही, इधर से भी कोई आ रही, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर है। अब इन्होंने क्या कहा कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक डायग्राम बनाया गया, आई वन, आई टू, आई, यहाँ पर आई थ्री बाहर जा रही, आई फोर अंदर आ रही, आई फाइव बाहर जा रही। तो हम लोग यहाँ पर जो साइन लेते हैं उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि साइन कन्वेंशन हमें क्या लेना, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर करंट जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया, आउटगोइंग को नेगेटिव। अगर आप इसका उल्टा ले लो, इनकमिंग को नेगेटिव ले लो, आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लो, आंसर तब भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनकमिंग को पॉजिटिव लिया तो इनके हिसाब से सिग्मा आई जीरो होगा। तो सिग्मा आई अगर जीरो है तो आई वन आई टू इनकमिंग है उसको क्या लेंगे, प्लस। आई थ्री क्या है, आउटगोइंग, क्या लेंगे, माइनस। आई फोर फिर इनकमिंग है, क्या लिया गया, प्लस। और आई फाइव माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब आप देखो यहाँ पर आई वन आई टू आई फोर एक साइड, आई थ्री आई फाइव को दूसरी साइड में कर दिया गया। दैट मीन्स जितनी इनकमिंग करंट है दैट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, जितनी इनकमिंग करंट उतनी ही आउटगोइंग करंट। तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ पर आया उतना ही चार्ज बाहर चला गया। इसका मतलब ये लॉ जो है या रूल जो है ये एक तरह से स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नोट कर लेंगे।